हेलो स्टूडेंट्स माई सेल्फ प्रणदीप सिंह कैसे हैं आप लोग आई होप ऑल ओके होंगे दिस इज गजानंद अकेडमी यूट्यूब चैनल हमारा कोचिंग सेंटर है और हम जो है स्टूडेंट्स को पढ़ाने का काम करते हैं और अब हम जो है ऑनलाइन जो है वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा के जो स्टूडेंट्स हैं उनके डाउट वगैरह क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं स्टार्ट किया है हमने कुछ टाइम पहले तो देखते हैं हम आज हम बात करेंगे क्लास एट में जो न्यू एनसीआरटी सिलेबस है टू के लिए उसमें मैथमेटिक्स में क्या सिलेबस है जो ओल्ड एनसीआर बुक में से रिड्यूज हो गया कट हो गया ना तो अगर आपके पास ओल्ड एनसीआर बुक है ना? तो आप यहाँ पे टिक मार कर लो मुझे समझ में नहीं आया। देखो, के बच्चे हैं। जो बच्चे, math, बहुत अच्छे हैं इनमें तो उनको ओल्ड एनसीआर ही पढ़नी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग क्योंकि काफी सारा सिलेबस है वो कट गया है अगर वो सब चीजें आपके आगे जाके यूज होने वाली है तो वहां आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी तो मेरे हिसाब से अगर आपको मैथमेटिक्स uh, के डाउट्स बहुत अच्छे से क्लियर करना है तो आप ओल्ड एनसीआरटी पढ़िए चाहे ऑनलाइन पढ़िए या फिर आपके कोई ट्यूटर या फिर कहीं भी अगर अवेलेबल है अकेडमी अगर वगैरह को ज्वाइन कर रखा है अपने कोचिंग सेंटर वगैरह तो आप वहां से ओल्ड बुक जरूर पढ़ें ठीक है उससे आपका बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छा बन जाएगा आगे जाके आपको नाइन्थेंथ ट्वेल्थ यहाँ दिक्कत आने वाली है अगर आप साइंस मैथ्स के फील्ड से जुड़ेंगे तो तो कम से कम मैथ्स साइंस जो है कंप्लीट पढ़ना चाहिए आपको फिर भी ठीक है जिन लोगों को लगता है नहीं रिड्यूस सिलेबस ही होके है तो वो पढ़ सकते हैं आप वीडियो पॉज करके टॉपिक्स पिक कर लो कुछ नहीं करना आपको जैसे फर्स्ट चैप्टर इलेवन टू ट्वेंटी पेज नंबर है वो पूरा पूरा आपका कट है उसमें वन पॉइंट टू पॉइंट सिक्स टॉपिक कट कर लो ये वाला टॉपिक कट कर लो ये टॉपिक कट कर लो ऐसे टॉपिक कट कर लो आप उनसे रिलेटेड आपको एग्जाम्पल्स जो है वो भी कट कर लेना है और आपके जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो भी कट कर लेना ऐसा कर लो आप ठीक है फिर आपकी जो बुक बचेगी वो एकदम न्यू एनसीआरटी के हिसाब से हो जाएगी केवल वो वो पढ़ लेना आप ठीक है एग्जाम्पल थ्री फोर फाइव कट कर लो कैशन एक्साइज वन पॉइंट वन का कैशन वन टू थ्री फोर सिक्स एट नाइन टेन ये कट कर लो इलेवेंथ कैशन का दिस ये वाला पार्ट कट कर लो बाकी सब आएगा एग्जाम्पल सिक्स सेवन एट नाइन कट कर लो एक्साइज वन पॉइंट टू कंप्लीट डिलीट हो गई है एक्सरसाइज वन पॉइंट टू जो है वो कम्प्लीट डिलीट होगी इसके अलावा जो एक्सरसाइज होगी अब आपको वो जो है उसमें मिलेगी मतलब जो आप न्यू बुक खरीदोगे न्यू वाली उसके अंदर इस तरीके से मिलेगा खरीदने की जरूरत नहीं आप ओल्ड में टिक मार्क कर लो चैप्टर टू है आपका लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल उसमें 22 से 28 पेज में ये वाला टू पॉइंट टू टॉपिक है ये कट है थर्टी से थर्टी टू पे साइड ऑन द नंबर लाइन ये कट है इस पेज पे टू पॉइंट थ्री कट है टू पॉइंट फाइव टॉपिक कट है टू पॉइंट सेवन कट है और अच्छे समझाऊ मैं आप लोगों को वीडियो पॉज करके देख लेना मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ आपको थोड़ा सा ना ढंग से टिक करना फिर बता रहा हूँ आगे भी, कर भी। पॉज करो अच्छा से बुक निकालो बुक में देखो एक्साम्पलो एक्साइज टू पॉइंट टू टू पॉइंट फोर टू पॉइंट चार एक्सरसाइज कट हो गई है ठीक है केवल दो ही बचेगी लाइक आई थिंक टू पॉइंट थ्री और टू पॉइंट फाइव उन दोनों को एक्सरसाइज टू पॉइंट टू करके दिया जाएगा न्यू एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर थ्री अंडरस्टैंडिंग कॉर्डिलेटर इसमें नो चेंज है सेम एज बिफोर जैसा पहले था वैसा ही है चैप्टर है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ये कंप्लीट चैप्टर डिलीट हो गया आपके लिए एकदम तो फ्री अब ये चैप्टर नहीं आएगा आपके पास अब इस डाटा हैंडलिंग चैप्टर को फोर्थ चैप्टर बोला जाएगा न्यू एनसीईआरटी सर टी बुक में चैप्टर फाइव हैंडलिंग है सेवेंटी वन सेवेंटी पेज पे फाइव पॉइंट टू कट हो गया थ्री कट हो गया ये कट हो गया और एक्सरसाइज फाइव पॉइंट वन कम्प्लीट डिलीट हो गई है बिल्कुल ईजी है ठीक है कुछ भी नहीं करना वीडियो पॉज करके आराम से क्लिक कर लेना या फिर वीडियो के एंड में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो पीडीएफ दे रखा है उसे डाउनलोड कर सकते हो चैप्टर सिक्स रूट यहाँ पे ये वाला टॉपिक कुछ कट हुआ है लेकिन इससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है इसमें नो चेंज है सेम एज बिफोर पहले जैसे मिलेंगे आपको सारे क्वेश्चन मतलब कुछ हटा नहीं है क्यूब वाले के अंदर एक एग्जाम्पल एट कट गया है और एक एक्सरसाइज सात पॉइंट दो काशन नंबर तीन केवल ये इतना सा एक क्वेश्चन हटाया है इसमें से ठीक है बाकी कुछ नहीं हटा बाकी सब कुछ सेम है चैप्टर है आपके पास एट पॉइंट टू कट हो गया उसमें से ये वाला ये वाला मतलब इसमें से बचा ही नहीं इसमें से मतलब सारे जो कॉस्ट के और वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था ना वो सब हट गया है एग्जाम्पल टू फाइव ट्वेल्व थर्टीन कट हो गया .2 का क्वेश्चन ये कट हो गया है लेना मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ थोड़ा सा

बेसिक कंसर्ट बना के चलना अपना और आगे जाकर दिक्कत होने वाली है चैप्टर पे में इस पेज पे आपको ग्यारह पॉइंट दो लेटस रिकॉल ये कट कर लेना है इलेवन पॉइंट थ्री एरिया ऑफ ट्रिपिजम कट कर लेना और एक्सरसाइज इलेवन पॉइंट वन कम्पलीट डिलीट हो गया है और एग्जाम्पल वन और टू डिलीट हो गया है बस बाकी सब कुछ आएगा एक्सपोनेंट वाले में कुछ चेंज नहीं है सब कुछ आएगा चैप्टर डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन इसमें कुछ चेंज नहीं सब कुछ आएगा फैक्टराइजेशन में एक्सरसाइज फोर्टीन पॉइंट फोर कम्प्लीट डिलीट हो गया है ठीक है

नीचे से ऊपर धीरे धीरे आप वीडियो पॉज कर लो आराम से टिक कर लो ठीक है स्क्रीन ले लो जैसा सही लगे आप इसका पी भी डाउनलोड कर सकते हो उसमें भी आराम से टिक लगा सकते हो आप ठीक है बताओ कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना देखो यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं और ये हमने कवर कर लिए हैं इस तरीके से जो है आपके जो चैप्टर्स है, हैं वो यहाँ पे रैशनलाइज हो गए तो आप इनको टिक कर लो अगर ओल्ड एनसीईआरटी है तो न्यू है तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ओल्ड वाले टिक कर लेना जरूरी नहीं है न्यू बुक लेके आना या न्यू स्टॉक में हो भी ना भी ये भी हो सकता है ठीक है तो आप इसके अकॉर्डिंग आपके स्कूल के अंदर जो है पढ़ाई कराई जाएगी और इसी के अकॉर्डिंग जो फाइनल वाला पेपर होता है ना आपको एकदम ईयरली वाला वो पेपर इसी बुक के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग यानी ये कटे हुए सिलेबस के अलावा जो बच गया है वो ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर